और इसराइल के बीच तो बिगड़ी बात बन गई, लेकिन एक खुलासे से अमेरिका और रूस के बीच खाई और चौड़ी हो सकती है। अमेरिका की मीडिया ने खुलासा किया है कि काला सागर में रूस के फ्लैगशिप मॉस्कवा के डूबने में अमेरिका का भी बड़ा हाथ है। रूस के महाविनाशक फ्लैगशिप मॉस्कवा को यूक्रेन की सेना ने कैसे निशाना बनाया? रूस के जनरलों के युद्ध क्षेत्र में होने का पता यूक्रेन को कैसे चल जाता है? रूस के साथ वॉर में कौन है यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार? रूस जंग यूक्रेन से लड़ रहा है या पर्दे के पीछे सुपर पावर ने संभाली है कमान? यूक्रेन वॉर जोन में अंतरिक्ष से कौन कर रहा है रूस की जासूसी? इन सारे सवालों के जवाब बड़ा धमाका कर सकते हैं, और अब इन सारे सवालों के जवाब मिल भी चुके हैं। रूस का युद्धपोत मॉस्कोवा अब इतिहास बन चुका है, लेकिन इसी मॉस्कोवा ने यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद काला सागर से मिसाइलों की बारिश करके यूक्रेन की कमर तोड़ दी थी। लेकिन अब यूक्रेन के मिसाइल हमलों से नष्ट होकर रूस के इसी फ्लैगशिप मॉस्कोवा ने काला सागर में जल समाधि ले ली है, और अब अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हवाले से अमेरिकन मीडिया ने खुलासा किया है कि मॉस्कोवा की जल समाधि के पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ है। कैसे, अब ये समझिए। अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट रूस की लगातार जासूसी कर रहे हैं, और मॉस्कोवा की लोकेशन भी अमेरिका ने ही यूक्रेन को बताई थी। इसके बाद यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से मॉस्कोवा पर हमला किया। अमेरिका लगातार यूक्रेन को रियल टाइम खुफिया जानकारियां दे रहा है। हालांकि इसी रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी ने यह दावा भी किया कि यूक्रेन मॉस्कोवा पर हमला करेगा। इसकी अमेरिका को पहले से जानकारी नहीं थी और न ही वो इस फैसले में शामिल था। लेकिन इस खुलासे के बाद कि मॉस्कोवा की लोकेशन अमेरिका ने यूक्रेन को दी थी, अमेरिका और रूस के रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि मॉस्कोवा के डूबने के बाद रूस में काफी नाराजगी है। रूस में लोग बाकायदा मॉस्कोवा को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे भी हुए थे। यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश करके रूस ने अपना गुस्सा कुछ कम किया था, लेकिन मॉस्कोवा के डूबने में अमेरिका का हाथ सामने आने के बाद मामला और बिगड़ सकता है। बिना अमेरिका की इंटेलिजेंस इनपुट्स के यूक्रेन इतना प्रिसाइसली मॉस्कोवा के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, और इस पर कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस इनपुट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये सैटेलाइट इमेजरी से हुआ है, स्पाइंग सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हुआ है? अगर ऐसा है या नहीं भी है, तो भी इससे रूस और अमेरिका के बीच में जो पहले से संबंध बिगड़े हुए हैं वो और भी ज्यादा बिगड़ने की उम्मीद है। अब जबकि मॉस्कोवा के डूबने का अमेरिकी कनेक्शन सामने आ चुका है, तो रूस में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है, और पुतिन काला सागर में डूबे अपने फ्लैगशिप का बदला कैसे लेंगे, इसका पता सिर्फ उन्हीं को है।